दोस्तों इन दिनों लद्दाख आंदोलित है। सरकार से बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है। इसी कारण पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो आमरण अनशन करेंगे। टुडे ऑन द 6th ऑफ मार्च आई विल बी सिटिंग ऑन पास्ट एंड टू डेथ व्हिच विल हैपन इन स्टेजेस ऑफ 21 डेज ईच एक्सटेंडेड एज necessary। दोस्तों जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब आज 13 दिन हो गए सोनम वांगचुक और उनके साथी आमरण अनशन पर लगातार डटे हुए। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द हाइट्स ऑफ हिमालयस, अ प्लेस कॉल्ड लद्दाख। टुडे इज माय 13th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट अंडर द ओपन स्काइज। टेम्परेचर्स आर -12 डिग्रीज। You can see the frost on my sleeping bag and the flower pot here is completely frozen। बताया ये जा रहा है कि लद्दाख में इस प्रकार के व्यापक आंदोलन काफी कम बार देखे गए हैं। लद्दाख की जो कुल आबादी है उसका 10% हिस्सा सड़कों पर देखा गया। ग्राउंड में लगभग 20,000 लोग जुड़े पूरे लद्दाख से, सैकड़ों किलोमीटर से दिन दिन यात्रा करके वे आए इस कड़कती ठंड में, जब बाहर -15 -20 की ठंड है। ये जो संख्या मैंने बताई ये बहुत अनोखा है छोटे से प्रदेश लद्दाख के लिए, जहां की जनसंख्या ही 2-3 लाख है। प्रदर्शनकारियों या लद्दाख के लोगों की मांग क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए ये खबर गायब क्यों है। लद्दाख की खबर गायब क्यों है तब हमें पता चलेगा कि सिर्फ लद्दाख की खबर ही गायब नहीं है, मणिपुर भी गायब है, चुनावी चंदा है वो भी गायब है। खबरें वही है जिनका संबंध बीजेपी की राजनीति से है, प्रधानमंत्री के भाषण से है और केंद्र सरकार के विज्ञापन से है। यही गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें। दोस्तों आइए जानते हैं कि लद्दाख के लोग इतनी कपकपाती ठंड में, जहां तापमान -10 डिग्री से -15 डिग्री से नीचे है, उसके बावजूद भी वो आंदोलित है। सोनम वांगचुक वही हैं जिनसे प्रभावित होकर 3 इडियट फिल्म में रेंचो का पात्र बनाया गया था। आपको बता दे, रेंचो ने जो 3 इडियट फिल्म में जो काम करके दिखाए थे वही काम सोनम वांगचुक जी ने असल जिंदगी में करके दिखाए हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन कर रहे हैं, इसका मतलब समस्या काफी गंभीर और महत्वपूर्ण है। समस्या है लद्दाख के लोकतंत्र की, पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के हक और अधिकार की। लद्दाख के लोगों की 4 मांगे हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल लागू किया जाए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, पूरे क्षेत्र में 2 लोकसभा सीट देने की मांग भी शामिल है। तो दोस्तों आइए जानने का प्रयास करें कि लद्दाख के लोगों की ये जो मांगे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो कितनी गंभीर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है। यह संविधान का वह प्रावधान है जो देश के आदिवासी नागरिकों को विशेष संरक्षण देता है। क्षेत्रीय स्तर पर आदिवासी अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगल को लेकर, अपने सामाजिक सांस्कृतिक पहनावे को लेकर अपने कानून खुद बना पाए, बाहर से आए लोग उनकी जमीन और संसाधनों का दोहन ना कर सके। आज देश के कुछ आदिवासी बहुल राज्यों में 6th शेड्यूल लागू है। दोस्तों सोनम वांगचुक ने कई बार लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण पर अपनी बात रखी है।
यूं तो मैं समय समय पर आपसे लद्दाख की मन की बात सुनाने के लिए आता रहा हूँ। पहला मैंने आज से 4 साल पहले आपसे गुहार लगाई थी कि लद्दाख के संवेदनशील पर्वतीय पर्यावरण को और यहाँ की जनजातीय संस्कृति को संरक्षण दिए जाएं। यदि लद्दाख में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, उत्खनन होगा, तो वहां भूस्खलन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएगी। और वहीं लद्दाख की जो बहुसंख्यक आबादी है वो अनुसूचित जनजाति या आदिवासी है। NCST के अनुसार लेह में 67% आबादी ST है और करगिल की अगर बात करें तो वहां पर 83% अनुसूचित जनजाति या ST की आबादी है। और लद्दाख के काफी क्षेत्रों में इनकी जो आबादी है, आदिवासियों की जो आबादी है, वो 99% है। इसका मतलब साफ है कि लद्दाख की जो बहुसंख्यक आबादी है वो अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों की है। इसीलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को ये सिफारिश की थी कि लद्दाख में 6th Schedule लागू होना चाहिए ताकि आदिवासियों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार मिल सके। लेकिन अफसोस, मोदी सरकार ने एक संवैधानिक संस्था की बात को नकार दिया या संवैधानिक संस्था की बात को सिरे से खारिज कर दिया, तभी तो आज लद्दाख के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की नजर में संवैधानिक संस्थाओं का क्या दर्जा है। और एक दूसरी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आखिर यह पूर्ण राज्य का दर्जा क्या है, आइए हम इसे समझने का प्रयास करें। लद्दाख के लोगों के पास लोकतंत्र के नाम पर आखिर क्या है, आप खुद सोचिए। जब 370 हटाया गया तो लद्दाख के लोगों ने उसका स्वागत किया, उन्होंने काफी जश्न मनाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका जो जश्न है, अगर मैं कहूं कि मातम में बदल गया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर खुशी में बदला होता तो वो सड़कों पर आंदोलन, आज जिस प्रकार से कड़कड़ाती हड्डी को जमा देने वाली -15 डिग्री जो तापमान है, वहां पर अगर खुले आसमान के नीचे अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके आप मायने को समझिए, इस गंभीरता को आप समझिए कि आखिर वो कितने क्रोधित हैं या आक्रोशित हैं। 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर में लद्दाख को अलग करने के बाद आखिर क्या अंतर आया, अगर ये हम जानेंगे तो जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर की एक विधानसभा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है या लोकसभा के अभी वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन देर सवेर चुनाव तो आखिर हो ही जाएंगे। सरकार ने वहां विधानसभा खत्म नहीं किया है। लेकिन अगर वहीं हम अगर लद्दाख की ओर आए तो लद्दाख में आप देखेंगे तो लद्दाख में विधानसभा नहीं है, वहां कोई MLA नहीं होता है और संसद सदस्य के नाम पर केवल एक लोकसभा क्षेत्र है। मतलब लद्दाख का जो प्रतिनिधि है केवल एक है, लद्दाख का MP केवल एक है। 2019 के पहले जब जम्मू कश्मीर में लद्दाख जुड़ा हुआ था तो लद्दाख के 4 MLA हुआ करते थे, अब ये संख्या 0 हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की अपनी विधानसभा है, दिल्ली के जो नागरिक है वो अपना MLA चुनते हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री है। हालांकि ये बात कुछ और है कि केंद्र सरकार ने एन-केन प्रकीर्ण करके, मतलब खूब ताकत लगाकर, खूब प्रयास करके दिल्ली सरकार का जो पावर है वो कम करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी दिल्ली में सरकार है, वहां पर दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है। लेकिन लद्दाख से तो ये पूरा की पूरा हक, अगर मैं कहूं कि छीन लिया गया, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। और वहां के लोगों की अभी ये डिमांड है कि वहां कम से कम 2 सांसद होना चाहिए, केवल 1 MP ही पूरे लद्दाख का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि आज हमें यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि हमें 6th Schedule में शामिल करो ताकि हम अपने ADC और ARC चुन पाए, हम अपनी जमीन पर्यावरण को बचा पाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दो। वह नहीं देना है तो हमें कम से कम अपनी विधानसभा तो दो।
ताकि हम अपनी सरकार तो चुन सके। सेंट्रल स्तर पर हमें 2 MP दो, अगर नहीं तो लोकतंत्र के नाम पर यह क्या ड्रामा चल रहा है। इस प्रकार की आवाजें लद्दाख से उठ रही हैं। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो मांगे इस समय लद्दाख के लोग या प्रदर्शनकारी अभी कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, यही मांग भारतीय जनता पार्टी महज 4 साल पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र के शीर्ष पे रख रही थी। और इन्होंने लद्दाख के लोगों से कहा था कि हम 6th Schedule लागू करेंगे, लेकिन अपने वादे से आज बीजेपी के नुमाइंदे अपनी जुबान को बंद करते हुए और लद्दाख के लोगों से नजरें चुराते हुए यहां वहां छुप रहे हैं। दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों की ये मांग क्यों नहीं सुन रही है। कहीं लद्दाख की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को मोदी जी के मित्र को बेचने की डील इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से तो नहीं हो गई है। दोस्तों पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS News। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।